नमस्कार माँ, वेलकम टू वर्सेस पैराडाइज। आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। आज मेरे डैड का बर्थडे है, जो मैं जो अभी है आज कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, जो है कश्मीरी रोगन जोश। वो यहाँ नहीं है मेरे साथ में, जम्मू में है करके, और मैं यहाँ पे हूँ मुंबई में। बट ठीक है, इसी बहाने हम लोगों को कुछ स्पेशल खाने को मिला है, कश्मीरी ऑथेंटिसिटी वाला स्पेशल रोगन जोश। यूजुअली हम बनाते हैं जब भी कश्मीरी बर्थडेज होते हैं या कोई भी कश्मीरी अच्छा दिन लगे करके। यूजुअली पहले लोग बनाते थे संडेज को, आज हम लोग मटन, क्योंकि मैंने हमारे हमारे डैड से हमेशा सुना है, क्योंकि मम्मी जब भी बनाती थी करके, मतलब हमारी जो दादी, वो जब भी बनाती थी रोगन जोश, तो वो फिर हमेशा हर संडे को ही बनाती थी, और रोगन जोश के साथ उनका मतलब फिक्स था हर संडे को। तो अभी भी दादी हमारी बोलती है करके कि तुम लोगों को तो आजकल के टाइम में जब मन करे तब खाते हो, ऐसे उस मेल आम सिर्फ संडे को ही खानो, हम तो खाएंगे ही भैया। आइए बनाते कश्मीरी रोगन जोश। कश्मीरी रोगन जोश बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या। सबसे पहले तो प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और गैस को रखा है, थोड़ा तेल इसमें डाल लेते हैं। तेल जो है लगभग हम इसमें एक कटोरी भर तेल डालेंगे। तेल थोड़ा रोगन जोश के ठीक पीला, नहीं तो क्या मतलब है रोगन जोश बनाने का। आ जाओ जी, ये हो गया, तब तक तेल रखते हैं गरम करने को। ये है हमारे पास 1 किलो मटन, हींग थोड़ी मैंने पानी में डाल के रखी है, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, हल्दी, सौंफ पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च, नमक। ठीक है, बस आज के इंग्रेडिएंट्स इतने ही हैं, लेकिन बनने जा रही है स्वादिष्ट कश्मीरी रेसिपी। ये हो गया, थोड़ा तेज कर दिया है इसको मैंने, हीट अप हो गया है, तो हम मटन के पीसेस इसमें डाल देंगे। ये देखो, मटन के पीसेस थोड़े मीडियम से बड़े किए गए हैं, जो मीडियम यहाँ के पीसेस रहते हैं उनसे थोड़े बड़े ही किए हैं। ठीक है, ये डल गया जी मटन, धीरे धीरे करके सब डाल देते हैं। चलो भैया जाओ, डल गया इसमें मटन, अब इसको देते हैं खलन। याद रहे हमेशा जो है मटन को जो आप हिला रहे हैं पूरी तरीके से, उसको आप लकड़ी के इससे हिलाएं, क्योंकि स्टील के इससे भी हिला सकते हैं, बट क्या होता है ना, वो फिर मटन ना जरा थोड़ा सा वो बिखर। बहुत सारे आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी मिलते हैं रोगन जोश, पर ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखाती हूँ आज की खतरी ऑथेंटिसिटी। मटन को अभी हम करेंगे फ्राई, अच्छे से फ्राई करना है इसको, क्योंकि इसका जो पानी है वो पूरा, ये जो पानी आ रहा है ये आप देख सकते हैं मटन में, वो पूरा जो है हमको सुखाना है। ये देखिए पानी जो इसके नीचे आया हुआ है वो प्रॉपरली हमको सुखाना है, इसको प्रॉपरली फ्राई करेंगे। अभी फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ी आंच जो है वो धीमी पे ही है, मतलब बिल्कुल धीमी नहीं है, मीडियम। ये देखिए अभी ये जो पानी आया है ना पूरा रोगन जोश में, ये देखो ये पानी आया है पूरा रोगन जोश में, ये जो पानी है ये पूरा सूख जाना चाहिए, तो उतने के लिए हमको जो है इसको फ्राई पे ही रखना है, मतलब तेल पे जो हमने डाला था इसको वैसे ही रखना है। क्या खुशबू आ रही है, बट जब तक ये पूरा जो ऑयल ऑयल ना दिखने लगे, ये पानी नहीं दिखना चाहिए। देखिए ये जो पानी है ना ये नहीं दिखना चाहिए, ऑयल ऑयल दिखना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉपरली इसको फ्राई हो रहा है ये। उससे क्या है, फ्राई करने से पहले अच्छे से जो है मटन की जो रॉ स्मेल है ना वो पूरी निकल जाती है। ये देखिए
सारा जो है पानी जो है गया, ये उड़ गया है, आप देखें नीचे तेल तेल रह गया, ये देखो। अब इसको अच्छे से इसमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर मटन को। आज हमने तेज ही रखी थी पहले से, आज बिल्कुल भी धीमी नहीं करी थी, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो मटन है वो हल्की धीमी करते हैं आज। मटन थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, भूख भी लगी है यार, ये इसको रोगन जोश को देख के बच लगती है, भूख लगने लगती है। जल्दी बन जाए यार, बत्ता जल्दी इसको तलने लगे और जल्दी मैं खाओ खाओ करूँ इसको। नहीं डाल भी बहुत अच्छा रोगन जोश बना के, बहुत ही बढ़िया रोगन जोश बना के। अच्छा थोड़ा थोड़ा अभी इसको लग रहा है तलियो, थोड़ा ये रेड रेड, मतलब थोड़ा थोड़ा ये रेड रेड हो रहा है, थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश हो रहा है, थोड़ा फ्राई हो रहा है। इसके बीच में ही हम ये तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी सब डाल देंगे, ताकि जो खड़े मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मटन का जो पानी आ जाता है फिर वो उसमें अच्छे से होते हैं। अब ये देखो इनको अच्छे से इसके साथ ही मटन के साथ ही फ्राई। चलो चलो ये देखो जी, अब हमारी जा रही है हींग इसके अंदर, यांग, इसको यांग बोलते हैं, यांग गाली में भी यूज होता है, जैसे यांग लोग। वाह, जो हींग का तड़का बैठा है इसके अंदर वो खतरनाक है एकदम। अभी डालेंगे इसमें हम एक चम्मच, डेढ़ चम्मच नमक साथ में ही तलने पे ही, जब हमारा ये फ्राई हो रहा है मटन। तलियन इज कश्मीरी वर्ड फॉर फ्राइंग, ये थोड़ा जो फ्राई हो रहा है उसी पे ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, ताकि जो भी अगर और भी पानी निकलना हो मटन में वो भी निकल जाए और साथ में मटन में भी थोड़ा वो नमक चला जाता है। ये अब हम डाल रहे हैं इसमें 3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये गया इसमें सौंफ पाउडर 1.5 चम्मच, ये गई इसमें हल्दी छोटी 1.5 चम्मच, और इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच नमक, और पहले 1.5 चम्मच हम डाल चुके हैं, 1 चम्मच और डालेंगे। अब इसको मिला लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, आंच थोड़ी तेज करते हैं, मसाले भुनने चाहिए पूरी तरीके से, अभी मसाले भुनने नहीं है। ये देखो अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले भुन रहे हैं, धीरे धीरे करके इसमें पानी डाल दें, लगभग 1 ग्लास पानी डाला है मैंने। ये देखो कलर क्या है, मस्त रेड रेड। थोड़ा और पानी डाल दे क्योंकि थोड़ा सा रोगन जोश के मटन दिखना चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना बहुत ही बढ़िया कलर, ये जरूरी है रोगन जोश के लिए क्योंकि कलर बहुत ही बढ़िया देती है कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे, 2 प्रेशर तक इसको हम प्रेशर देंगे।
अरे यार ये जो अभी सीटियां निकल गई है प्रेशर कुकर की, और अभी हमने इसको दम कर रखा है, गैस बंद कर दिया है। इससे सभी जो है दम जो है इसका निकल गया है, तो अभी इसको खोल लेते हैं। अरे वाह, थोड़ा सा देख लेते हैं ये गला है कि नहीं गला है, वो देख लेते हैं। एक मिनट, वो खिला के देखते हैं। ये पोक को इसमें काट के देख लेंगे। हाँ जी, गल गया है। थोड़ा सा इसको और बॉयल दे देते हैं, बस बॉयल के बाद बंद करते हैं। ये देखो यार, मेरा भाई तो नहीं आया, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। चोरी वोरी करके पूरा प्रेशर कुकर ही उठा के लेके जाएगा। हद ही हो आज ये रोगन जोश खाना है। राम, लेट्स सी, ये रोगन जोश हो गया है कि नहीं? हो गया। हो गया क्या? तेरे को नहीं बोला हो गया? आ गया मैं यार, बन गया ना? अरे दे दे यार, अब तो बन गया। हाँ, बन तो गया। अब कोई नहीं बेटा, हम कोई नहीं कोई नहीं, मेरी बारी भी आएगी इसको बनाने की। सर्व करेंगे। मैं भी बनाएगा, रुक जा, कल मैं दिखाता है कुछ अलग बना के। वाह, ऐसा थोड़ी है कि हमें बनाना नहीं आता, हम भी कुछ ट्राई करेंगे चलो कल, जी, ये बन गया है हमारा रोगन जोश। हम खा लेते हैं। अच्छा ऐसा कर, तू ये इतना रख ले, वो दे दे प्रेशर कुकर। अरे वो बेस्ट है ना, तो रोगन जोश बना रही है ना, तू दिखा ना रोगन जोश। बस बहुत है अपने लिए तेरे लिए। यार रुक जा, मैं प्लेट लाता हूँ। नहीं, नो क्यों? प्लेट, नो प्लेट इज टू बी गिवन। अरे बाप रे, तो करो। हो गई हमारी रोगन जोश रेडी। ये हो गई रस्सा, ये हो गई रोगन जोश। तो हमारा रोगन जोश हो गया है रेडी, हम खाएंगे इसको। बेस्ट जो प्रॉपर कश्मीरी डिशेस होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वो बेस्ट राइस के साथ ही लगती है करके। तो ये रोगन जोश भी गरम और गरम स्टीम राइस के साथ ही मजा आता है। सो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा लगा आपको ये रोगन जोश, कश्मीरी रोगन जोश। लगता है विशाल शायद नाराज हो गया है, उसने बोला है कल कुछ बना के दिखाएगा, तो देखते हैं वो क्या बना। चलो भाई, मैं उसको देखने जाती हूँ। टिल देन, बाय बाय।